स्पीक। प्रतीक भाई, भारतीय जनता पार्टी पे फवाल पूछो बोलते मनमोहन सिंह ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। अरे आप 9 सालों पे सरकार में, फवाल आपसे पूछा जाएगा। आज उपराष्ट्रपति की बात हुई, आपने तो पूरे लोकतंत्र का और पूरे संविधान का, पूरे संसद का उपहास करने का कार्य किया। 141 लोगों को निलंबित करके आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा आपने लोकतंत्र को निलंबित कर दिया। और प्रतीक भाई, ये देश का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आज हमारे देश के अंदर सांसदों को जिस तरीके से आलू और प्याज की तरह का बाहर किया जा रहा है, ये देश का उपहास है, लोकतंत्र का उपहास है। 141 लोगों का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के 135-135 करोड़ लोगों का उपहास आप करने के। देश का एक दुर्भाग्य और भी है कि विपक्ष के जो सबसे बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, वो वीडियोग्राफी करते हुए देखे जा रहे हैं जब मिमिक्री हो रही है राज्यसभा के सभापति की। और उसके बाद आप बात करते हैं लोकतंत्र की, ये राजतंत्र वाले लोकतंत्र की बात करेंगे? मेरे पटेल भाई सब गुजरात से आए हैं, यूनिट स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले विश्व के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ। आप लोगों ने आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज होते देश के प्रधानमंत्री तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। केवल जवाहरलाल नेहरू जी को आपने सिलेक्ट किया। मुझे जवाब दें। देश का इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? एक भाजपा के सांसद के 2 मेहमान हमारे देश के संसद में आते हैं करने का कार्य कर। वो भाजपा का मेहमान था, आज वो भाजपा का सांसद उसका मैं लेता हूँ। जो सवाल पूछता है उसका निलंबन होता है। पटेल जी चले गए, पटेल जी को दुख हो रहा था खेड़ा में। पटेल जी को एक सवाल पूछा गया नीति शर्मा जी से कि वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी उसमें, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं इनकी तरफ से दूसरा पलट सवाल था, वो सवाल ये था कि उसमें आप क्यों नहीं गए पटेल जी? पटेल जी आए तो उनसे सवाल पूछेगा जी। प्रतीक जी, 2010 का जिक्र किया मेरी बहन ने, 2010 के बाद दो चीजें हुई। पहली तो एक बिना पास के कोई घुसे थे, इस बार भाजपा के सांसद ने जो पास इशू किए उस पास के साथ गए और संसद की कार्यवाही को उन लोगों ने ठप कर दिया। दूसरी चीज ये हुई, जो सुरक्षा का बजट था 2009 में और 2010 में, उसमें 80% का इजाफा हुआ। हम लोग तो देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और ये तो सिर्फ संसद की बात कर रही है। पिछले 9 साल से जो चाइना घर में घुस के बैठा है उसके ऊपर जवाब तो देते नहीं, अब संसद के जवाब पे कब आएंगे ये? ये आज फिर बोल पड़े, इनकी तूती फिर बोल पड़ी। जो ये लोग चाइना को पीओके के साथ इन्होंने साथ साथ में दे दिया, चाइनीज के साथ एमओयू करके बैठ गए, ये लोग जवाब दे रहे। जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर बैठकर आप हमारे दोस्त है करके इन्होंने कर दिया। अरे इंडियन आर्मी के साथ आज अब पीओके लेकर जिस बात पर रो रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर का 370 के ऊपर रो रहे हैं ना, ये इनकी देन है, इनकी देन है। आज पीओके में सिर्फ और 1-2 दिन ये रुक जाते तो आज पीओके हमारा होता। इन लोगों की वजह से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को खोया, वहां के लोगों को मरते हुए देखा, कश्मीर पंडितों को प्लान होता हुआ देखा। आज ये लोग बातें कर रहे हैं, फिर ये लोगों ने बात करी 2010 की बात करते हैं। अरे आप लोगों के कान 1984 से चालू है। अरे आप लोगों ने जो जस्टिफाई कर दे सिख नरसा को, मसाकरे को जस्टिफाई कर दे और उसके बाद ये अलाउ करे कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और किस तरीके का डेमोक्रेसी की बात करते हो आप लोग? जो आदमी हमारे राहुल गांधी जो हमारे मैं कहता थोड़ी सी कहते हैं, अरे मल्का अरविंद खड़गे के आपने 1 लाख रुपए ले लिए। अरे आप लोग कहते हो वो बेचारे कह रहे हैं मेरे 1 महीने की तनख्वाह ले ली। अरे आप लोगों ने अभी 351 करोड़ आपके MLO में से निकलते, आपके MP में से निकलते। राइट, मैंने लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ गए, काफी देर से बैठे हुए थे, शांत भाव से बैठे थे, स्वागत है आपका। बीजेपी सोचती है चीख से सच को दबा दे। आप आगे आ जाइए, चीख से सच को दबा दे, बस एक लाइन बीजेपी के लिए काफी है। बीजेपी भी आवाम पर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें फिर चश्मा दान करती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। इसी भारतीय जनता
आराम से बोलना तो हाथ उठाओ। कहाँ से आना हुआ? ग्रेटर नोएडा से। क्या नाम है? ललित शर्मा। ललित शर्मा, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा, बोलना चाहते हो? रुको, पहले समाजवादी पूरा होने दो। 151 माननीय सदस्य अगर भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछते हैं, जिसके लिए पार्लियामेंट बैठी है, मैं आपको बताता हूँ, आज जिस बिल पे चर्चा हो रही थी वो सीआरपीसी और आईपीसी पे चर्चा हो रही थी। सीआरपीसी आईपीसी इस देश के एक एक नागरिकों को एक एक सेकंड में जरूरत पड़ती है, ऐसे बिल को 10 मिनट में पास कर देते हैं, ऐसा कहां से ज्ञान लेके आते भगवान जाने। इस देश के सत्ता पक्ष का जो ध्यान नहीं रखा वो बीजेपी है, जो विपक्ष का ध्यान नहीं रखा वो बीजेपी है, तो ऐसा लोकतंत्र कहां मिलेगा इस देश में? समाजवादी पार्टी ने जो चश्मा पहना हुआ है उसके ऊपर से जरा आप ओस को साफ कर लीजिए, क्योंकि जो आप पीडीए का गठबंधन एनडीए के खिलाफ पिछड़ा दलित और जो पिछला दलित आदिवासी का जो नैरेटिव अखिलेश यादव आज लेकर आ रहे हैं, जिस जातिवाद के नाम पर विपक्ष देश को बांटने का काम करता रहा, राष्ट्रवाद ने उसको उस जातिवाद को एक माला में पुरो के तीनों स्टेटों में आपको करके दिखा दिया। आप तो समीकरण बनाते रह गए, थ्योरी करते रह गए, या प्रैक्टिकल हो चुका। और उसके बाद प्रतीक जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, 1947 में जो अंग्रेजों की गुलामी से हमको आजाद देना था, तो उस समय पीओके को आपको अपने हाथ में लेना था, उस समय जिस तरीके से हमारी आस्थाओं पे अंग्रेजों ने अटैक किया उसको आपको वापस लेना चाहिए था। आप राम मंदिर में बोलते रहे कि दुनिया भर की फौज खड़ी कर दी, बनने नहीं दिया, उसके बाद 370 आपने हटने नहीं दी। आज आपके समय में जहां लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है वहां पे कभी पाकिस्तान का जी जी बिल्कुल ठीक है। बहस बड़ी तेजी से हुई है आज, बड़ी तेज रहा, पूछ क्या ले, बड़ी तेजी से और बड़ी रफ्तार के साथ हुई है डिबेट आज। जी अब बोलो ग्रेटर नोएडा। सर मैं ये कह रहा था कि आज जो देश हमारा सुरक्षित है ना, राष्ट्र सुरक्षित है, वो मोदी की वजह से सुरक्षित है, और जो राष्ट्र सुरक्षित है उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज हमारी शिक्षा सबसे मेन है, शिक्षा है देश में, स्वास्थ्य से देश में है, और सुरक्षा है। अगर अफगानिस्तान अगर सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित होता तो तबाही नहीं होती, आज आतंकवादियों का राज नहीं होता। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो यहाँ एक दिन आतंकवादियों का राज होगा। ठीक है आराम से आराम से, कोई बात नहीं, किसी को सवाल पूछना है। जी जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आराम से वन बाई वन। जी बोलो क्या नाम है? मेरा नाम केशव है सर। केशव कहाँ से आना हुआ? ये नोएडा से। सर आज लोग सब नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आए हैं क्या? जी बोलो। सपा वाले बोले थे कि विपक्ष नहीं है, 151 सांसद नहीं है तो आप पास करे जा रहे हो, विपक्ष के साथ तो 26 पार्टियां हैं, ये क्यों नहीं वो बीजेपी सब? क्या काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ सर। कहाँ? यही इधर ही। इधर ही कहाँ? ये दिल्ली में। दिल्ली में क्या काम है? जॉब का काम है। जॉब जॉब का है? का इधर का एयरपोर्ट का है, मतलब एयरपोर्ट का। ठीक है, पेपर वेपर पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सा पेपर? अमर उजाला, दैनिक जागरण। अच्छा ठीक है, बढ़िया। कहाँ, इधर कौन बोल रहा था? हाँ बोलिए सर। ईडी का समन आया है?